नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आप लोगों को शेयर करने के लिए। उसका नाम है ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको स्कूल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसे बनाकर आप स्कूल के में प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं। तो ये देखिए, एक छोटा सा पाइप है 1 फीट का, और ये हमारा समरसेबल पंप है 5 वोल्ट का, और एक स्विच लेंगे। इसका ज़रूरत होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और कुछ जम्पर वायर्स हैं, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे सॉयल सेंसर का ये बोर्ड है, और ये सॉयल सेंसर का जिसमें ये सॉयल को चेक करेगा वो हमारा सेंसर है। ठीक है, और एक हम यहाँ पे लेंगे रिले बोर्ड जो हमारा 5 वोल्ट से ऑपरेट होगा। इसके जगह पे हम लोग ट्रांजिस्टर भी लगा सकते थे, लेकिन ये ट्रांजिस्टर अगर हम लगाएंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो एडवांस हो जाएगा, और स्कूल के बच्चे लोग को एडवांस अगर हम कर दें तो वो बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और रिले सेंसर हमने इसलिए लिया है कि अगर देखिए, ये सेंसर जो है इसमें से जो आउटपुट आता है वो आउटपुट हमारा पॉजिटिव सप्लाई होता है। ठीक है, और पॉजिटिव सप्लाई जब हम ट्रांजिस्टर में देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑन होने के बाद वो मोटर से पानी जो है वो गिरने लगेगा, लेकिन इसमें हमें रिवर्स करना है। अगर ये पानी से अगर इसे हम कोई गमले में डालते हैं, अगर उसमें पानी है तो ये सेंसर क्या होगा, यहाँ जो आउटपुट है उससे कुछ वोल्टेज आउट करेगा, और आउट करेगा और क्या करेगा, ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा तो क्या होगा, जब गमले में पानी है फिर भी वो मोटर को ऑन कर देगा। इसलिए हमें उसे रिवर्स करने के लिए हमने ये रिले को लिया है। तो चलिए इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले इस सेंसर का जो ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, जो हमारा इस लेग में जाएगा, ये दो जो लेग बना हुआ है उसमें जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लगा लेते हैं। ये हमारा लग गया। अब ये दूसरा वायर आप किधर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए हमारा लग गया, अब इसका कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए, इस सेंसर से, सॉयल सेंसर से हमारा क्या हुआ है कि 4 पिन, यहाँ से 4 पिन में आउटपुट, मतलब 4 पिन लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा पिन किस लिए है वो हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, फर्स्ट पिन जो है VCC है, यानी कि इसमें 5 वोल्ट सप्लाई जाएगा, और ये सेकेंड वाला जो है वो ग्राउंड है, यानी कि इसमें हम लोग -वोल्ट देंगे। और डू जो लिखा हुआ है वो हमारा आउटपुट है, और AO जो लिखा हुआ है वो हमारा एनालॉग आउटपुट है, लेकिन हम लोग डिजिटल आउटपुट से ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग रिले मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, रिले में भी हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट निकला हुआ है। जो इन लिखा हुआ है वो हमारा ट्रिगर पॉइंट है रिले का, और सेकेंड वाला जो है सेंटर में वो हमारा ग्राउंड है, और ये हमारा VCC है, ये भी 5 वोल्ट का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो दिख रहा है यहाँ पे हम एक जम्पर वायर को लगाएंगे, और इसे लगाते हुए हम सेंसर के आउटपुट जो पिन है हमारा DO, ठीक है, ये DO में हम इसे कनेक्ट कर देंगे। और सेंसर का जो दो वायर है हमारा माइनस और प्लस, इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका जो येलो वाला वायर है वो हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये माइनस जो है यहाँ पे हम लगा देते हैं
चलिए इधर का कनेक्शन देखिए हमारा हो गया है, ठीक है। अब हम मोटर में कनेक्शन देंगे, तो यहाँ पे भी कनेक्शन हमको चाहिए। देखिए यहाँ पे भी हमें कनेक्शन एक चाहिए 5 वोल्ट का और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वायर को कट करके यहीं से हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे सेंटर में दिख रहा होगा कॉमन और ये ऑन, यानी कि रिले जब ऑन होगा तो यहाँ से करंट आउट होगा, ठीक है, और रिले जब ऑफ होगा तो करंट यहाँ से ऑफ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिले देखिए पानी जब 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 सॉइल सेंसर जब पानी से टच होगा तो वो हमेशा ऑन रहेगा। तो ऑन होगा तो हम लोग अगर यहाँ पे मोटर का कनेक्शन देंगे तो पानी रहने के साथ ही वो पानी निकालता ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सीधा रिवर्स करेंगे, यानी कि पानी जब गमले में हो तो वो ये सेंसर ये रिले को ऑन रहे लेकिन वो मोटर को ऑन ना करे, इसलिए हम लोग एनसी में लगाएंगे, ठीक है। तो एनसी में आप लोग कोई भी वायर लगा सकते हैं, इसमें से आप रेड भी लगा सकते हैं या तो ब्लैक भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी रेड को कनेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये कनेक्शन हो गया है। अब हम लोग माइनस में माइनस सप्लाई देंगे और यहाँ पे जो कॉमन है कॉमन में एक प्लस वोल्ट यहाँ पे हम लोग कॉमन में देंगे, ठीक है। देखिए मोटर का कनेक्शन हो गया है। अगर देखिए कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वेबसाइट akvtechnical.com पे जाएंगे और वहाँ पे आपको पूरा कनेक्शन सर्किट डायग्राम मिल जाएगा और पार्ट्स का लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप लेकर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा सप्लाई वाला वायर है जो हमने डायरेक्ट ये सेंसर में दिया है, तो इसे भी हम लोग को लाइन देना पड़ेगा 5 वोल्ट ये दोनों को काम करने के लिए। ये तो रिले के लिए, ये हमारा मोटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कट मारते हैं और कट करके एक वायर जोड़कर इससे सप्लाई देंगे, ठीक है। तो कनेक्शन अब हमारा हो चुका है। अब मोटर में क्या करेंगे, हम ये पाइप को लगा लेते हैं। पाइप को लगाने के बाद इसमें हम पाइप यहाँ पे डाल देते हैं, चलिए पाइप हमारा हो गया रेडी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डब्बे में इसे वायर के साथ डाल देंगे, ठीक है। ये पानी में भी रहेगा तो ये मोटर ख़राब नहीं होगा। और इस पाइप को पूरी अच्छी तरह से हम यहाँ पे डाल देते हैं इस तरह से, और पाइप को इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए पाइप को हमने यहाँ पे निकाल दिया है एक वायर को लगा के, ठीक है। अब हम दिखाते हैं आपको किस तरह से काम होगा। देखिए सारा कनेक्शन हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे हम, ये जो सॉइल सेंसर है ये आप देख रहे होंगे, इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, मिट्टी में इसको डाल देना है। और ये जो पाइप जो है वो हम यहाँ पे जो फ्लावर पॉट है उसके नज़दीक में इस तरह से रखेंगे ताकि पानी ख़त्म हो तो अपने आप वो काम करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। और हम अभी इसमें हम लाइन देते हैं, देखिए आप, देखिए पानी यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, पानी वहाँ पे जा रहा है, देखिए पानी भर गया तो ये अपने आप, देखिए ये लाइट ये यहाँ पे जल गया, ठीक है। देखिए लाइट अभी बंद है, अभी देखिए अपने आप लाइट जल जाएगा पानी जैसे ही वहाँ पे जाएगा, तो देखिए लाइट अपने आप ये जल गया, आप देख सकते हैं, है ना, लाइट जला हुआ है, ठीक है, लाइट जला हुआ है, यानी कि रिले को यहाँ पे इसको ये ट्रिगर पॉइंट में इसको वोल्टेज मिल रहा है इसलिए रिले ऑन है। रिले ऑन है तो हमारा मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो रिले का जो मोटर का जो कनेक्शन है वो एनसी में लगाया, यानी कि रिले ऑन हो तो एनसी में वोल्टेज नहीं आएगा। रिले ऑन होने पर एनसी में वोल्टेज नहीं आता, ठीक है, और रिले ऑफ होने पे एनसी में वोल्टेज आता है। तो जैसे ही हम देखिए अभी हम यहाँ पे आपको निकाल कर दिखाते हैं, अभी कैमरे को सामने ले जाते हैं तो आपको पता चलेगा। अभी देखिए लाइट हमारा दोनों ग्लो कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है। अब जैसे ही निकालेंगे
यानी कि पानी हमारा सूख गया, ठीक है, ये मिट्टी हमारा सूख जाने के बाद क्या होगा, ये लाइट अपने आप बंद हो जाएगा, ये देखिए बंद हो गया और मोटर अपने आप चालू हो जाएगा, देखिए पानी गिरना उसमें अपने आप चालू हो गया, ठीक है, और जैसे ही इसे लगाएंगे वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, पानी जैसे जाता है तो ये दोनों जो वायर है, ये वायर में जो ये सेंसर लगा हुआ है, ये दोनों को शॉर्ट कर देता है। शॉर्ट होने की वजह से ये सिग्नल जो हमारा है वो इस ड्राइवर ड्राइवर में जाता है, और ड्राइवर में जाने के बाद यहाँ से जो आउटपुट पिन है वो आउटपुट पिन से रिले को ट्रिगर मिलता है, रिले ऑन हो जाता है। ऑन होने की वजह से एनसी में जो लगा हुआ है मोटर उसे ऑफ कर देता है, और ऑफ होने की वजह से पानी यहाँ पे नहीं जा पाता। और जैसे ही ये जो मिट्टी है सूख जाती है, सूखने के बाद क्या होगा कि ये सेंसर जो है वो कट हो जाएगा, ये दोनों जो स्विच का काम कर रहा था वो कट हो जाएगा। कट होने की वजह से इससे जो सिग्नल जा रहा था वो इसको नहीं मिल पाएगा, और उसकी वजह से रिले हमारा जो है ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने की वजह से रिले का जो एनसी पॉइंट है वो ऑन हो जाएगा, और उससे मोटर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप एक भी technical.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पूरा जानकारी मिल जाएगा।